हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर टुडे सेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जिसमें हम लोग देख चुके हैं आपके फोर टाइप्स के एनिमल टिश्यूज़ और आपका जो अर्थ वर्म है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मींस उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी मतलब कि उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं एनाटॉमी तो यहां पर हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं नेक्स्ट टू ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट टू एनिमल्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की दैट इज योर कॉकरोच एंड फ्रॉग कॉकरोच और फ्रॉक के जो है मॉर्फोलॉजी और एनाटमी हम डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉकरोचेज़ की हमारे घर में जो है बहुत सारे कॉमनली कॉकरोचेज मिल जाते हैं जनरली मिल जाते हैं घरों में मिल जाते हैं आपके किचन में मिल जाते हैं टॉयलेट्स में मिल जाते हैं और फिर उसके बाद में अगर आप जो है आपके जो सीवे सिस्टम जहाँ होता है वहाँ आप देख सकते हैं तो कॉकरोचेस जो हैं ये बहुत कॉमन एनिमल है जो आप अपने सराउंडिंग एरियाज़ में जो है देख सकते हैं लेकिन अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटमी की बात करें तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी चलिए

जीनस इज पैरी प्लानिटा एंड स्पीशीज इज अमेरिकाना तो यहाँ पर पैरी प्लानिटा अमेरिकाना की हम बात कर रहे हैं नॉक्टर्नल होते हैं नॉक्टर्नल मीन्स जो कि रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं जैसे आउल हो गया आपका जैसे आपके बैट्स हो गए तो ये सब नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं जो कि जनरली ड्यूरिंग नाइट जो है एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू डे टाइम डे टाइम पे ये स्लीप करते हैं इनएक्टिव होते हैं ओमनीवोरस होते हैं मीन्स दोनों टाइप के जो है फूड को ईट करेंगे दैट इज प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स तो यहां पर अगर हम बात करें ओम om ओमनिवोरस की सो मीट एज वेल एज प्लांट ईटर्स प्लांट ईटर्स अगर हम बात करते हैं नॉक्टर्नल की सो दैट इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट इसीलिए आप देखते होंगे कि रात में जो है सारे कॉकरोचेस निकल कर आ जाते हैं बाहर और जब डे टाइम होता है तो आपको एक भी नहीं दिखाई देता है सो एक्टिव ड्यूरिंग नाइट नाइट के टाइम पे एक्टिव रहेंगे नेक्स्ट आता है लिव इन डैम प्लेसेस थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट जहां पर जिन जगहों पर प्रेजेंट होगा वहां पर जो है ये आपको मिलेंगे सो so, ऐसे हैबिटेट में डैम प्लेसेस में जो है इनका हैबिटेट होता है अडल्ट फॉर्म में जो है इनकी लेंथ जो होगी दैट विल बी 34 फोर टू फिफ्टी माइक्रोमीटर लॉन्ग बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड ब्राउन काइटीनियस एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर का जो स्केलेटन सिस्टम होगा दैट विल बी फॉर्मड ऑफ काइटिन तो वो काइटिनियस टाइप का एक्सोस्केलेटन होगा इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स अच्छा हर सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटन का पार्ट प्रेजेंट होगा दैट हैज हार्डन प्लेट्स जिनको हम क्या बोलते हैं स्क्लेराइड्स जिनको हम क्या बोल रहे हैं स्कलैराइट्स डॉर्सल साइड पे जो होंगी स्क्लेराइड उनको हम क्या बोलेंगे टेरगाइड्स और वेंट्रल साइड पे मतलब कि नीचे की तरफ जो होंगी उनको हम क्या बोलेंगे स्टर्नाइट्स दैट आर जॉइंट बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मैम्ब्रेन दैट इज आथ्रोडियल मैमब्रेन जो कि जो दोनों जो हैं आपके स्क्राइट्स दोनों टाइप की डॉसल टगाइड्स और वेंट्रल स्टेनाइट्स जो हैं वो ज्वाइन होंगी एक बहुत ही बारीक थिन और फ्लेक्जिबल आर्टिकुलर मैमब्रेन से दैट इज आथ्रोडियल मैम्ब्रेन बॉडी में जो है तीन रीजन्स में हमने बॉडी को डिवाइड किया दैट इज हेड थॉरक्स एंड एबडोमिन हेड वाला पार्ट देन थॉरिक्स वाला पार्ट और ये आपका एबडोमिन वाला पार्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज मीजो थॉरक्स मीजोथॉरैक्स और एक

सिक्स सेगमेंट सिक्स सेगमेंट के फ्यूजन से जो है एक ट्राइंगर शेप का जो है हेड जो है वो फॉर्म होता है जो प्रेजेंट है आपके हेड सबसे ऊपर हम देख सकते हैं दिस इज ट्राइंगुलर हेड देखिए इसका शेप जो है वो कुछ

देन अ पेयर ऑफ मैंडिबल होगा यहाँ पर हाइपो हो गया आपका दिस वन इज हाइपो अ पेयर ऑफ मैगजिले मैग्जिले का भी एक पेयर होगा लेबियम इज लोअर लिप तो यहाँ पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपके सारे पार्ट है, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये माउथ में जो है प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं थॉरक्स वाला पार्ट नेक्स्ट पार्ट जो आता है हेड के बाद में दैट इज थॉरैक्स थॉरैक्स में तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है प्रोथॉरेक्स नीजो एंड मेटा हैंड इज कनेक्टेड विथ थॉर बाय हेड और जो कनेक्शन होगा दैट विल बी थ्रू नेक और नेक क्या है एक शॉर्ट एक्सटेंशन है प्रोथोरक्स का ही प्रोथॉरेक्स जो है उसी को थोड़ा सा हमने लंबा कर दिया एक्सटेंड कर दिया एंड दैट एक्सटेंशन इज नोन एज ओनली एज नेक ईच थॉरेसिक सेगमेंट बी एस अ पेयर ऑफ लेग अच्छा हर थॉरेक्स में प्रोथॉरेक्स मीजोथॉरेक्स और मेटोथॉरेक्स तीनों थॉरेक्स में जो है आपके क्या होंगे एक पेयर ऑफ लेग जो है प्रेजेंट होगा टू पेयर्स ऑफ विंग्स जो है यहाँ प्रेजेंट होंगे एक आगे वाले होंगे एक पीछे वाले आगे वालों को हम फोर विंग्स या मीजोथोरेस्टिक या फिर टैगमीना भी बोल सकते हैं जैसे कि वहाँ बता रखा है ओपेक डार्क और लेदरी कवर द हिंड विंग्स वेन एट रेस्ट और फोर विंग जो होंगे वो कैसे होंगे ओपेक होंगे मतलब ट्रांसपेरेंट सॉरी ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे ओपेक होंगे ठीक है डार्क कलर्ड होंगे और लेदरी होंगे और ये क्या करेंगे पीछे वाले जो विंग्स हैं हैंड विंग्स जो हैं उनको कवर करके रखेंगे जब कॉकरोच रेस्टिंग कंडीशन में है जब वो फ्लाई नहीं कर रहा है हैंड विंग्स जिनको हम मेटाथोरेसिक भी बोलते हैं वो भी दो होंगे एंड ट्रांसपेरेंट होंगे ये ओपेक नहीं होंगे आगे वालों की तरह ये ट्रांसपेरेंट होंगे जिनके आर पर आप देख सकते हैं सो मैम्रेनस होंगे और ये यूज किए जाएंगे इन

स्टर्नम जो होगी फीमेल्स में सेवंथ सेगमेंट में जो प्रेजेंट है सेवंथ स्टर्नम जो है वो बोर्ड होगी एट्थ और स्टर्ना जो है वो ब्रूड या नाइन्थरनाइटल बनाएंगे जनाइटल पाउच जो है वो फॉर्म करेंगे इट्स एंटीरियर पार्ट मतलब इस पाउच का जो आगे वाला पार्ट होगा इंटीरियर पार्ट जो होगा उसमें फीमेल गोनोपोर होगा स्पेथिकल पोज होंगे एंड कॉलेक्ट्रल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन दैट पार्ट तो यहाँ पर जो है आपके एट्थ और नाइन्थ स्टर्ना में जो है एक जेनाइटल पाउच प्रेजेंट है और वो जेनाइटल

टेंथ टर्गा एंड वेंट्रली बाय द नाइन्थ एंड स्टर्नम तो यहाँ पर जो है अगर हम डोसली बात करें पीछे की तरफ से या ऊपर की तरफ से बात करें तो डॉसली जो है ये जेनाइटल पाउच जो है ये बाउंडेड होता है बाई नाइन्थ एंड टेंगा और वेंट्रली बात करें नीचे की तरफ से लोअर साइड से अगर बात करें तो नाइन्थ और स्टर्नम से बाउंडेड होता है इट कंटेन्स डॉसल एनस क्या क्या होगा इसमें डॉसल एनस होगा वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर होगा वेंट्रल साइड पर मेल जेनाइटल पोर होगा और गोनापो फाइसिस होगा बियर पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स और यहाँ पर जो है मेल्स में जो है एक छोटे से जो है हम बोल सकते हैं एक पेयर होगा शॉर्ट थ्रेड लाइक बिल्कुल धागे जैसा पतला जो है एनल स्टाइल uh, का विचार एबसेंट है फीमेल जो कि फीमेल्स में एबसेंट होगी सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होगी सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट मोफोलॉजी ऑफ कॉकरोचेस ऑफ मेल एंड फीमेल यहां पर हम डिफ्रेंसेस की बात कर रहे हैं चलिए मेल में लार्जर साइज का होगा फीमेल एज कंपेयर टू मेल स्मॉलर साइज़ की होगी उसके बाद में विंग्स जो होंगी मेल्स में एक्सटेंड बियॉन्ड द

एनाटॉमी में सबसे पहले जो सिस्टम हम लेंगे दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके तीन पार्ट होंगे कॉकरोचेस के डाइजेस्टिव सिस्टम में फोर गट मिड गट एंड हिंड गट फोर की बात करें सो इट इज लाइन बाय क्यूटिकल फोर गट जो है आगे वाला पार्ट गट गट बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल को ही गट इज एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल को ही गट बोला जाता है तो यहाँ पर एलिमेंट्री केनाल या गट जो है उसके तीन पार्ट्स हैं फोर गर्ट आगे वाला पार्ट मिड गर्ट बीच वाला पार्ट और हैंड गट पीछे वाला पार्ट फोर गर्ट जो है उसकी लाइनिंग जो है दैट इज डन बाय क्यूटिकल माउथ फेरिंग्स ईसोफेगस क्रॉप टू स्टोर फूड गिजार्ड तो यहां पर ये ये जो एलिमेंट्री के में मिलेंगे क्या क्या मिलेगा सबसे पहले माउथ होगा फिर फेरिंग्स फिर यूसो फिर क्रॉप जहां पर फूड का स्टोरेज किया जाएगा एंड देन गिजार्ड जो कि होगा गिजार्ड हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्क्यूलर मसल्स अच्छा गिजार्ड में क्या होगा जहाँ पर ग्राइंडिंग होगी फूड की वहां पर जो है एक आउटर लेयर जो होगी थिक सर्कुलर मसल्स की और इनर लेयर जो होगी वहां पर वो थिक होगी और किसकी होगी क्यूटिकल की होगी फॉर्मिंग सिक्स काइटीनियस प्लेट डाटस टीथ और जो इनर लेयर जो होगी वहां पर काइटिन का जो लेयर होगी या क्यूटिकल की जो इनर थिक लेयर होगी दैट फॉर्म सिक्स काइटिनियस प्लेट वो सिक्स काइटिन की जो है प्लेट्स बनाएगी जो टीथ की तरह एक्ट करेंगे एंड इट हेल्प्स टू ग्राइंड द फूड और यहाँ पर जो ये टीथ होंगे ये क्या काम करेंगे टीथ क्या काम करते हैं ग्राइंडिंग का चुईंग का तो यहां पर भी वो यही काम करेंगे ग्राइंडिंग का फूड ग्राइंडिंग का सो दिस इज द फेरिक्स पार्ट दिज आर सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा का प्रोडक्शन कर रहे हैं सलाइवरी रिजर्व ये ऑरेंज और, कलर का जो पार्ट है इज सलाइवरी जहां पर सलाइवा स्टोर होगा देन ईसोफेगस फूड पाइप जो होगी देन दिस इज क्रॉप पार्ट जहां पर फूड का स्टोरेज होगा दिस इज गिजार फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड हेपैटिक सी का यहाँ पर हम देख सकते हैं देन मिडगट आ जाता है मिडगट इज दिस पार्ट मेलफीजियन टब्यूल्स जो कि यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम कर रहे हैं ईलियम हो गया कॉलोन हो गया रैक्टम हो गया और फाइनली जो है एन एस आ जाएगा एनल एल सरकाय जो है वो आ जाएंगी मिड गट की बात करते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज मेजिट्रॉन जिसे हम मेजिंट्रॉन भी बोलते हैं नॉट लाइन बाय क्यूटिकल इस पर कोई लाइनिंग नहीं होगी क्यूटिकल की अ रिंग ऑफ सिक्स टू एट ट्यूब्यूलर गेस्ट्रिक सीके एट द जंक्शन ऑफ वो एंड मिड गट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक रिंग होगी रिंग गोल गोल रिंग जो होती है सिक्स टू एट टिब्यूल से बनी हुई होगी और वो सिक्स टू एट टिब्यूल कैसी होंगी हिपैटिक होंगी या गैस्ट्रिक सीके से होंगी की बनी होंगी सो अ रिंग ऑफ सिक्स टू एट टिब्यूलर हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीके और कहाँ पर प्रेजेंट होंगी जहाँ पर फोरगट खत्म हो रहा है और मिड गट स्टार्ट हो रहा है मतलब जंक्शन पॉइंट पे और ये क्या करेंगी रिंग जो है वो क्या करेंगी डाइजेस्टिव जूसेज का सिक्रीशन करेंगी दो तो जो डाइजेशन के प्रोसेस में डाइजेशन का, का काम करेंगे एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंडगट और फिर नेक्स्ट जंक्शन पे नेक्स्ट जंक्शन में जहां पर मिडगट खत्म हो रहा है और हिंडगढ़ स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर देर इज हंड्रेड टू तो वन फिफ्टी मेल्फीजियन टिब्यूल वहाँ पर हंड्रेड टू वन फिफ्टी हम यहां पर डायग्राम में भी देख सकते हैं हंड्रेड टू वन फिफ्टी जो है मेलफीजियन टिब्यूल जो है वो प्रेजेंट होंगी और ये मेलफीजियन टिब्यूल जो है वो क्या करती है एक्सक्रीशन का रोल प्ले करती हैं हिंडगट ब्रॉडर देन मिडगट मिडगट से ज्यादा चौड़ा होगा ब्रॉड होगा लाइन इंटरनली बाय क्यूटिकल जिसपे इंटरनल साइड पे जो है क्यूटिकल की लाइनिंग होगी इंक्लूड्स इलियम कोलोन एंड रेक्टम जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं देन रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस। अब यहाँ पर जो है तो हम बोलेंगे कि आपके जो रेक्टम uh, जो होता है ये ओपन होगा बाहर की तरफ थ्रू एनस, जो कि लास्ट हम बोल सकते हैं ओपनिंग होगी किसकी एलिमेंट्री केनाल की या गट की नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम एनाटॉमी में नेक्स्ट सिस्टम जो आता है दाटस सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वर्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होगा कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगी नो no ब्लड कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगी ओपनली जो है ओपन स्पेसिस में जो है ब्लड फ्लो होगा ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इन टू हीमोसील और ब्लड वेसल्स अगर होंगी तो वो काफी पुअरली डेवलप्ड होंगी और कहाँ जाकर ओपन होंगी हीमोसिल में दाटस कैविटी में विस्केरल ऑर्गन इन द हीमोसील आर बाथ इन द ब्लड जो जो भी इंटरनल ऑर्गन हीमोसील में प्रेजेंट है उस कैविटी में प्रेजेंट है वो सब जो है ब्लड में डूबे हुए रहेंगे दैट दैट इज 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 बाथ द ब्लड ब्लड पर क्या है हीमो है ऑफ कलरलेस प्लाज्मा लिम्फ अगर आया है तो इसका मतलब यहाँ पर जो हिमोलिम्फ का कॉम्पोजिशन अगर हम देखें सो इट इज कम्पोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं हिमोलिम्फ सो so, यहाँ पर क्या कॉम्पोजिशन रहेगा हीमोलिम्फ का कलरलेस प्लाज्मा होगा और हिमोसाइट दैट इज सेल्स होंगी हार्ट इज़ एन इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब और हार्ट कैसा होगा यहाँ पर ट्राइंगुलर शेप नहीं होगा यहाँ पर हार्ट जो है दाट विल बी ट्यूब्युलर होगा इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइन अलोंग मिड डॉसल लाइन जो कि मिड डॉसल लाइन की तरफ जो है लाई करेगा जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑफ थॉरिक्स एंड एप्टोमिन थॉरक्स और एप्टोमिन वाले पार्ट में इट हैज फनल शेप चैम्बर्स फनल शेप्ड जो है चैम्बर्स होंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं दीज आर चैम्बर्स ऑफ हर्ट ये आपके हर्ट के चैम्बर्स हैं सो फनल शेप चैम्बर्स होंगे विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड और जिसके आसपास साइड में जो है हम बोल सकते हैं ऑस्टिया प्रेजेंट होंगे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ब्लड फ्रॉम साइनसिज साइनसेज जो हैं ओपन स्पेसेस जो हैं वहाँ से ब्लड जो है, है, है कहाँ जाएगा ऑस्टिया में जाएगा इन पोर्स में जाएगा फिर हर्ट में जाएगा हर्ट के थ्रू एंटीरियर एओटा में जाएगा एंटीरियर एओटा से जो है फिर वापस वो साइनसिस में जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है वो कंटिन्यू बनेगा नेक्स्ट इज रेस्पायरेटरी सिस्टम रेस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें सो इस कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया देखिए आप नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया जो है बहुत सारे जो है ट्रैकिया के जो है ट्रैकियल ट्यूब्स जो है वो प्रेजेंट होंगी यहाँ पर और इसीलिए इनके रेस्पायरेटरी सिस्टम को हम ट्रैकियल सिस्टम भी बोलते हैं सो कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू टेन पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरेक्स और ये जो ट्रैकिया का जो नेटवर्क है ट्रैकियल ट्यूब्स जो है ये बाहर की तरफ जो है टेन पेयर्स हैं स्मॉल होल्स के जिन्हें हम स्पायरिकल्स बोलते हैं उनके थ्रू जो है बाहर की तरफ आउटसाइड द एनवायरनमेंट जो है ये ओपन होंगे तो टेन पेयर्स मतलब ट्वेंटी स्पायरिकल्स जो हैं जो कि लेटरल साइड पे बॉडी के लेटरल मतलब कि जैसे मैं हूँ ये तो अब मेरा ये वाला साइड जो है दिस इज वेंट्रल और पीछे वाला साइड जो है वो डॉसल ये वाला साइड जो साइड में जो है दैट इज लेटरल साइड तो लेटरल साइड पर जो है स्पायरिकल्स प्रेजेंट होंगे और टेन स्पायरिकल्स ऑन ईच साइड आर प्रेजेंट और यही स्पाइरिकल्स बाहर की तरफ ओपन हो रहे हैं इनसे अंदर की तरफ जो है ट्रैकियल ट्रंक जो है वो कनेक्टेड है ट्रैकिया कनेक्टेड है सो so, स्पाइरिकल्स हम इन स्मॉल होल्स को बोल रहे हैं जिनके टेन पेयर्स प्रेजेंट है ट्यूब्स थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स दैट इज ट्रैक्यल ट्यूब सब डिवाइड इंटू ट्रैक्योस ये ट्रैकिया जो डायरेक्टली स्पाइरिकल से कनेक्टेड है ये अंदर जाकर उनकी और ब्रांचेस जो हैं हो जाती हैं डिवाइड हो जाती हैं और उन डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं ट्रैक्यूल्स जो कैरी करती हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम एयर टू ऑल द पार्ट्स बाहर से स्पाइरिकल्स के थ्रू जो है एंटर हो रही है एयर उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है ट्रैकिया के थ्रू जाती है ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स में और ट्रैक्योल्स जो है पूरी बॉडी पार्ट्स में उसको कैरी करती है द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय स्विंटर्स स्विंटर मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है जहाँ पर स्पाइरकल्स प्रेजेंट होंगे ताकि उनकी ओपनिंग को जो है वो कंट्रोल कर पाए गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द ट्रैक्यूअल्स बाय डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के थ्रू जो है यहाँ पर सारा गैसेस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म किया जाएगा नेक्स्ट इज यहाँ पर हम देख सकते हैं है। ियल सेल्स है जो कवरिंग फॉर्म कर रही है प्रोटेक्टिव कवरिंग दिस इज स्पाइरिकल जिसके थ्रू एयर एंटर करेगी एंड दिस इज ट्रैक्यूअल ब्रांच चलिए तो ये है रेस्पायरेटरी सिस्टम नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे किस टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है कॉकरोचेस रिलीज करते हैं सो दे आर यूरिकोटेलिक यूरिकोटैलिक बोल रही हूँ तो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाएगा यूरिक एसिड इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे होंगे येलो कलर की फिलाामेंटस बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिल्मेंट जैसे स्ट्रक्चर दैट इज मेलफीजियन टिब्यूल जो है वो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं येल्लो कलर के होते हैं एंड ईच टिब्यूल इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स और हर ट्यूब्यूल जो है उसकी लाइनिंग में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी ग्लैंडुलर टाइप की जो कुछ सिक्रीट कर रही हैं और सीलिएटेड टाइप की सेल्स जिसपे सीलिया प्रेजेंट है दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कन्वर्ट इट टू यूरिक एसिड ये बॉडी में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे उसको किस कन्वर्ट करेंगे यूरिक एसिड में विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द और उसका एक्सक्रीशन कहाँ से होगा हिंड गट से होगा द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन फैट बॉडीज़ हो गई आपकी यूरिकोज ग्लैंड हो गए नेफ्रोसाइट्स हो गए ये भी कुछ कुछ जो है एक्सक्रीशन का रोल प्ले करेंगे नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में बात करें तो यहाँ पर जो है सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम में दैट इज जॉइन बाय पेयर लॉन्गिट्यूडल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड जो वेंट्रल साइड पे जो है कनेक्टिव के थ्रू कनेक्ट किए जाएंगे तो यहाँ पर जो है सेगमेंटली अरेंज सेगमेंट वाइज जो है अरेंजमेंट है गैंग्लिया वही इनका नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है एंड दीज गैंग्लियाज आर जॉइन बाय कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड थ्री गैंगलिया इन थॉरैक्स तीन गैंगलिया जो है वो थॉरिक्स वाले रीजन में होंगे और सिक्स होंगे एबडोमिन वाले रीजन में हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम हेड में थोड़ा बहुत पार्ट जो है नर्वस सिस्टम का होगा वाइल्ड द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी और बाकी का पार्ट जो है वो कहाँ सिचुएटेड होगा वेंट्रल पार्ट में दैट इज लोअर साइड में सो इफ द हेड ऑफ कॉकरोच स्का ऑफ़ इट विल स्टिल लाइव फॉर वन वीक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता था कि अगर आप एक कॉकरच को अगर मारने जाते हैं तो कभी भी उसका सर मत काटिए सिर्फ क्योंकि अगर उसका हेड जो है वो कट ऑफ भी हो जाता है तब भी इट विल स्टिल वन वीक तब भी वो एक वीक जो कि बहुत लंबा टाइम है भाई तो तब तक जो है वो लाइव कर सकता है सर्वाइव कर सकता है सो द सुपरा ईसोफेजियल गैंगलियन दैट इज नोन एज ब्रेन जो यहाँ पर ब्रेन का रोल प्ले कर रही है सप्लाईज नर्व टू एंटीने एंड कंपाउंड आइज तो ये जो होती है सुप्रा इसोफेजियल गैंगलियन जो होती है जो ब्रेन की तरफ वह करती है ये नर्व सप्लाई करती है टू तो एंटीने जो कि हेड वाले पार्ट में प्रेजेंट है द कंपाउंड आइज को तो यहाँ पर सुप्रा इसोफेजियल गैंगलियन जो है वो आपके नर्व सप्लाई करती है हेड वाले रीजन में या फिर हम बोल सकते हैं कंपाउंड आइज और एंटीने को सो दिस इज सुब्रा ईसोफेजियल गैंगलियन जो यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी और ये है आपकी सुबा इसोफेजियल गैंगलियन सेकेंड वन दैन दिस इज थोरेसिक गेंगलियन फिर आपकी एबडामिन गैंगलियन जो एबडोमिन पार्ट में है एंड इज वेंट्रल नर्व कोड सेंस सेंस ऑर्गन स की बात करें तो सेंस ऑर्गन में सबसे पहले आ जाएंगे एंटीने देन जो कंपाउंड है एंटीनेईजाउंडबियल एनल सरका ये सब जो है सेंस ऑर्गन्स में एंटीने में जो सेंसर रिसेप्टर्स होते हैं टू मॉनिटर द एनवायरमेंट एनवायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए कुछ भी टच को सेंस करने के लिए जो है एंटीने में सेंसर रिसेप्टर्स होते हैं हर कंपाउंड आई जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ अबाउट टू थाउजेंड हेक्सागोनल ऑमेटीरिया तो यहाँ पर हर कंपाउंड आई जो है एक पेयर है कंपाउंड आईज का काोचेज में और हर कंपाउंड आई जो है इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट टू ओमेटिडिया सो दे कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट की इनको बहुत सारी इमेजेस जो है मिलती हैं दिस इज नोन एज मोजैक विजन और इस टाइप के विजन को हम क्या बोलते हैं मोजैक विजन इट हैज मोर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी तो काफ़ी अच्छी हो जाती है इस टाइप के विजन में लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी कम होता है मतलब आपको एक ब्लड सी इमेज जो है मिलती है इस टाइप के विजन में जहां पर बहुत सारी इमेजेस जब एक ऑब्जेक्ट की बनती हैं तो इस टाइप के विजन को हम मोजैक विजन बोलते हैं जिसमें सेंसिटिविटी तो काफ़ी अच्छी होगी पर लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो काफ़ी कम होगा ब्लड इमेज दिखेगी सो बींग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हैंज कॉल नॉक और ऐसा जो है ऐसा विजन जो है वो जनरली आपके नॉक्टर्नल टाइप के एनिमल्स में या हम बोल सकते हैं उस टाइम पे एक्टिव ज़्यादा होता है या बींग कॉमन ड्यूरिंग नाइट नाइट टाइम पे जो है ये काफ़ी कॉमन होता है इस टाइप का विजन सो दैट्स वाई दे दीज एनिमल्स और दीज कॉक्रोचेज आर नोन एज नॉक्टर्नल नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सो कॉक्रोचेज आर डायशियस मेल रिपोक्टिव मतलब एक बॉडी में सिर्फ एक ही टाइप का जो है हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा

अ मशरूम शेप्ड ग्लैंड एक मशरूम शेप का जो ग्लैंड है दैट इज एसे ग्लैंड जो है दैट इज प्रेजेंट इन दिक्क टू सेवेंथ एबडोमिनल सेगमेंट में जो है प्रेजेंट होगा दैट इज एसे ग्लैंड जो कि एक मशरूम शेप जो है ग्लैंड होता है तो इस तरीके से यहाँ पर एक पेयर है टेस्टीस का जो सिक्स टू सेवेंथ जो आपका एबडोमनल सेगमेंट है वहाँ पर प्रेजेंट होगा लेफ्टरल साइड पर मतलब साइड में प्रेजेंट होगा दैन दिस इज फेलिक ग्लैंड ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स होंगी जो जो बाहर की तरफ हैं, कि एक ट्यूब है, है और डक्ट हम बोल सकते हैं डक्ट जहां पर मेल थ्रू रिलीज किए जाएंगे देन एनल सरकार और कॉर्डल स्टाइल आपका प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है फीमेल मेल में एक्सटर्नल जेनेटीलिया में जो है आपका क्या आगा आएगा यहाँ पर मेल अगर एक्सटर्नल जेनेटिलिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपका गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर जिसे हम बोल सकते हैं जो कि क्या है एक्चुअल में काइटीनियस एमेट्रिकल स्ट्रक्चर है एक ए स्ट्रक्चर है काइटिन का बना हुआ है सराउंडिंग द मेल गोनोपोर ये बनाएगा एक्सटर्नल जेनिटीलिया इन द मेल और इसको हम गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर भी बोल सकते हैं दिसम्स आर स्टोर्ड इन द सेमिनल जो होंगे जो मेल गैमेट्स वो गैम स्टोर होंगे में एंड आर ग्लोट टुगेदर और फिर उनको स्टिक कर दिया जाएगा चिपका दिया चिपका दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बंडल जिन्हें हम क्या बोलते हैं स्पमेटोफोर्स विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन और जिसको कब डिस्चार्ज किया जाएगा कॉपुलेशन के टाइम पे जब मेल और फीमेल जो है आपस में पास पास आएंगे फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसमें मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमेयर जो है उसको इंक्लूड किया है जो कि क्या है एक्चुअल में काइटिन का बना एक ए सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर है दैट इज सराउंडिंग द मेल गोनापोर नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवरीज वहां पर भी एक पेयर था टेस्ट का यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी जो है लार्ज ओवरीज जो है उससे मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है और ये कौन सा सेगमेंट में प्रेजेंट होगा सेकेंड टू सिक्स एबडामल सेगमेंट ईच ओवरी हैज एट ओवेरियन ट्रिब्यूल्स हर ओवरी में जो है एट ओवेरियन ट्रिब्यूल्स या ओवेरियल जो है उसके डिविजन जो हैं वो प्रेजेंट होंगे कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवर जिसमें की एक चेन में जो है आपके एग जो है वो डेवलप हो रहे हैं ओविडक्ट दैट इज फेलोपियन ट्यूब जिसे हम बोलते हैं ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इन टू अगल मीडियन ओविडक्ट दोनों तरफ से जो ओविडक्ट आ रही है वो दोनों यूनाइट हो जाएगी सो दिस इज कॉमन ओविडक्ट और विजाइना विच ओपन इन टू द जेनाइटल चैम्बर जो कहाँ जाकर ओपन हो रही है जेनाइटल चैम्बर जो नीचे की तरफ है दिस इज जेनाइटल चैम्बर तो यहां पर जो है दोनों ओविडक्ट जो दोनों ओवरी से आ रही हैं वो ओपन होंगी अर सिक्स सेगमेंट में जो प्रेजेंट है वो भी कहाँ ओपन होगा जेनाइटल चैम्बर में ही जो है वो भी ओपन होगा स्पम्प आर ट्रांसफर थ्रू स्पामेटोफोस और स्पामेटोफोस क्या था बंडल्स ऑफ योर स्पम्स तो स्पम्प जो है वो स्पोमेटोफोज के थ्रू ट्रांसफर होंगे देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड ऊ थी और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्टिलाइज एग जो होंगे उनके ऊपर जो है एक कवरिंग प्रेजेंट होगी या वो एक केस में एक कवरिंग में प्रेजेंट होंगे दैट तो इज ऊ थी डार्क रेडिश टू तो ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट एट एम एम लॉन्ग और ये ऊ थी के क्या हैंक्चुअल में कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर है जिनके अंदर फर्टिलाइज एग प्रेजेंट है जिनसे आगे चलकर जायकॉट बनने वाला है तो वो कैसे होंगे डार्क रेडिश या फिर ब्लैकिश ब्राउन कलर के ये कैप्सूल्स जो हैं होंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं तो ये है कैप्सूल्स जो कि डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कलर के कैप्सूल्स होंगे डेवलपमेंट जो होगा दैट इज पोरो पोरोटाबॉलिस अब पोरोटाबॉलिस टाइप का डेवलपमेंट क्या होता है दैट इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज जैसे लार्वा स्टेज होती है वैसे ही जिसमें निम्फ स्टेज आती है उस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं पोरो पोरोमेटाबॉलिस जो कि यहां पर होगा कॉकरोचेज में और निम्फ कैसा होता है निम्फ दिखने में अडल्ट की तरह होता है दे मोल्ड थर्टीन टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म और ये निम्फ जो स्टेज आती है इंटरमीडिएटरी स्टेज जिसे हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या होता है निम्फ जो है वो थर्टीन टाइम मोल्टिंग मतलब अपनी शेडिंग अपनी स्किन की या बाहर वाली जो कवरिंग है उसकी शेडिंग करता है थर्टीन टाइम्स ऐसा करेगा तब जाकर वो अर्डर्ट फॉर्म में पहुंचेगा द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स और जो लास्ट निम्फल स्टेज होती है जिसके बाद में वो फाइनली अडल्ट फॉर्म में पहुंच जाएगा उसके जस्ट पहले वाली मतलब सेकेंड लास्ट जो स्टेज होगी आपके निम्फल स्टेज में उसमें विंग पैड्स आ जाते हैं ओनली अडल्ट हैव विंग्स, लेकिन उसमें भी सिर्फ विंग पैड्स आएंगे प्रॉपर विंग्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके अडल्ट फॉर्म में ही मिलेंगे सो दिस इज अ काइंड ऑफ अडल्ट मेल कॉकरोच एंड दिस इज अडल्ट फीमेल कॉकरोच तो यहाँ पर निम्फ स्टेज हम देख सकते हैं जनरली आपने देखा भी होगा निम्फ स्टेज में बहुत सारे कॉकरोचेस को लेकिन उनमें विंग्स नहीं होते हैं अब ये बात याद रहेगी कि, कि जो आपके कॉकरोचेस जो होते हैं तो वो उड़ने वाले तभी होंगे जब वो अपनी अडल्ट फॉर्म में हैं अगर वो अडल्ट फॉर्म में नहीं है इस टाइप के अगर आपको दिखते हैं दिखे भी होंगे लेकिन उनमें विंग्स नहीं होंगे ध्यान दीजिएगा इस बार जब भी अपने घर में या आसपास कभी भी देखें तो अगर वो निम्फ वाली स्टेज में है तो उनमें देखिए कि उनमें विंग्स जो है प्रेजेंट नहीं होंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो आर पेस्ट पेस्ट कैसे हैं? क्योंकि ये हमारे फूड को और हमारे जो दूसरी चीज़ें हैं तो उनको जो है डिस्ट्रॉय करते हैं स्पेशली फूड जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं कंटामिनेट करते हैं इट विथ देयर स्मेलिंग एक्सक्रीटा अपने एक्सक्रीटा के थ्रू और हमें डिजीजेज कॉज करते हैं और ये दे ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे कॉलेरा हो गया उसके बाद में आपका टाइफॉयड हो गया टीबी हो गया बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल क्योंकि ये क्या करते हैं जैसे सॉइल वगैरह में जहाँ पर बैक्टीरियाज जो हैं, हैं इन डिजीजेस के प्रेजेंट हैं वहाँ से आएंगे और किसी भी फूड पे अगर ये फीड कर रहे हैं तो ये उस फूड को कंटामिनेट करेंगे उन बैक्टीरियाज के थ्रू अगर जैसे इस फूड को अगर हमने ईट किया है हमने एडजस्ट किया है तो हम डिजीज़ अपनी बॉडी के अंदर कर सकते हैं नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ फ्रॉग सो नेक्स्ट इज मॉफलॉजी एंड एनाटमी ऑफ फ्रॉग फ्रॉग के बारे में हम बात करें तो जो आपको जनरली रेनी सीजन में दिखते हैं फ्रॉग जैसे एनिमल्स जो हैं तो आज हम इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट इज मॉफोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज एनाटमी जो है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद इट्स फाइलम दैट इज इट बिलोंग्स टू कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स में आते हैं आपके और कॉकरोचेस जो हैं वो इंसेक्ट्स में आ रहे हैं दैट इज नॉन कॉर्डेट्स में आ रहे हैं क्लास एम्फीबिया एम्फीबियंस आते हैं क्योंकि ये डू लाइफ सर्वाइव करते हैं दैट इज ये लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो इनको बेसिकली जो है किस लिए होती है फॉर देयर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जीनस राणा और स्पीशीज अगर हम बात करें तो दैट इज टाइग्रीना मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो इंडिया में फाउंड होती है दैट इज राणा टाइग्रीना दे आर कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड होते हैं या कोई किलोथाम्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में कोल्ड ब्लडेड और poikilotherms मतलब ये अपना instant, constant जो है इंटरनल टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं मेंटेन नहीं कर पाते हैं They can चेंज द कलर टू hide फ्रॉम देअर एनिमीज कैमोफ्लैज की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है अपने आप को हाइड करने के लिए छुपाने के लिए अपने एनिमीज से बचाने के लिए जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपना कलर जो है स्किन का कलर जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट सराउंडिंग एन्वायरमेंट कर सकते हैं दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री और प्रोटेक्टिव कलरेशन को क्या बोलते हैं मिमिक्री कॉपी करना मिमिक्री करना मीन्स कॉपी करना किसी को सो so ये कॉपी करते हैं किसको अपने सराउंडिंग एन्वायरमेंट को जैसे अगर ये किसी Uh, हरे भरे जो है जंगल में प्रेजेंट है जहाँ पर लीव्स हैं आसपास या ग्रासेस हैं तो उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे अगर कोई इनका एनिमी आएगा तो सो ड्यूरिंग समर एंड विंटर दे अंडर गो एस्टिवेशन समर स्लीप में जाते हैं समर के टाइम पे अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है ये कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो उस टाइम पे समर की हीट को जो है या समर टेम्परेचर को जो है सर्वाइव करने के लिए समर सीजन में सर्वाइव करने के लिए ये समर स्लीप में चले जाएंगे दैट इज एस्टिवेशन में और विंटर स्लीप में चले जाएंगे विंटर टाइम पे उसको अवॉइड करने के लिए अनफेवरेबल सीजन को सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कैन से एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड एक्सट्रीम और हीट और कोल्ड भाई ये माइग्रेट uh, नहीं कर पाते हैं इतना ईजीली वैसे भी रेनी सीजन में आपको फ्रॉक्स ज्यादा दिखाई देंगे जन एज कम्पेयर टू अदर सीजन ऑफ द ईयर तो यहां पर जो है ये अवॉइड करने के लिए एक्सट्रीम हीट डूरिंग समर्स एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स तो ये क्या करते हैं उस टाइम पे एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं तो समर में जाएंगे तो एस्टिवेशन और विंटर में जाएंगे तो हाइबेशन हम उसे बोलते हैं नेक्स्ट एज यहां पर द स्किन ऑफ फ्रॉग इज ऑलवेज मॉइस्ट आपने कभी टच कर कि अगर देखा हो को तो तो उसकी जो होती है वो एक तो काफी काफी चिकनी जैसी होगी होगी, होगी, होगी और की क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है कलर ऑफ डोसल साइड डॉसल साइड मतलब पीछे ऊपर वाला साइड दिसल तो इस डॉसल साइड का जो कलर होगा ऑलिव ग्रीन विथ डार्क एंड रेगुलर स्पॉट्स जिनमें डार्क स्पॉट्स आपको धब्बे धब्बे जैसे जो है दिखाई देंगे एंड वेंट्रल साइड पेल येलो और अगर आप कभी इसको उल्टा करके देखेंगे ना फ्रॉक को तो जो नीचे की साइड होगी दैट विल बी पेल येलो द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर कभी पानी नहीं पीते हैं फ्रॉग बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन लेकिन हाँ वाटर जो है वो अपनी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं मुंह से कभी नहीं लेंगे बट अपनी स्किन के थ्रू जो है एब्जॉर्ब करेंगे बॉडी जो है वो हमारी दो पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक यहाँ पर नेक और टेल जो पार्ट्स हैं वो एब्सेंट होंगे अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल माउथ के ऊपर जो है एक पेयर होता है नॉस्ट्रिल्स का जो नाक के होल्स जो होते हैं हमारे प्रेजेंट आइज जो है वो थोड़ी बाहर निकली हुई होगी बल्जी होगी बर्स टाइप की होगी और कवर्ड होगी बाय नेक्टिटेटिंग मैम्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम वाइल्ड वॉटर जो इनको आईस को प्रोटेक्ट करेंगी जब ये वाटर में प्रेजेंट होंगे ये मैम्रेन नेक्स्ट इज ऑन इधर साइड ऑफ आइस है मैम्रेनस टिम्पेनम दो किसी भी एक साइड पे जो है आइस के साइड पे जो है टेम्पेम प्रेजेंट होंगे जो ईयर की तरफ फंक्शनिंग करेंगे फोर लिम्स चार डिजिट जो है चार डिजिट वाले मतलब कि यहाँ पर जो है पेंटाडिक्टाइल डिक्टाइल नहीं लेकिन हाँ फोर लिम्स जो होंगे उनमें सिर्फ चार फिंगर्स डिजिट मीन फिंगर्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो जो फोर लिम्स है आगे की जो लिम्स है जिसको हम हैंड्स बोलते हैं अपने फोर लिम्स ये हैं आगे वाले ठीक है तो इसमें जो है फोर डिजिट होंगे फोर फिंगर्स होंगे और हिंड लिम जो होंगे पीछे वाले जो होंगे वो पेंटाडिक्टाइल होंगे दैट इज वहां पर फाइव फिंगर्स होंगी हेल्प इन स्विमिंग वॉकिंग लीपिंग एंड बरोइंग द हिंड लिम्स आर लार्जर हिंड लिम्स पीछे वाले जो लिम्स होंगे वो लार्ज होंगे और मस्कुलर होंगे देन द फोर लिम्स फीट हैव है वेब्ड मतलब बिल्कुल जाल जैसी जो है उंगलियां होंगी इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हमारी सारी सेपरेट हैं लेकिन अगर यहाँ पर भी स्किन रहती यहां तक स्किन रहती इस पार्ट तक अगर फिंगर्स के बीच में स्किन होगी तो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है तो यहाँ पर जो इनके जो डिजिट्स हैं वो वेब्ड होंगी जाल जैसी दट हेल्प इन स्विमिंग जो इनको स्विमिंग में हेल्प करेंगी फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्शुअल डाइमॉर्फ मतलब कि आप मेल और फीमेल फ्रॉग में ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि उनका जो मॉर्फोलॉजी जो होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो दोनों का डिफर करेगा दोनों सेक्सेस का मतलब मेल और फीमेल का मोफोलॉजी जो है वो डिफर करेगी एंड दैट इज नोन एज सेक्सुअल डायमोफिज्म मेल फ्रॉग अच्छा मेल फ्रॉग्स में जो है एक स्पेशल वोकल सैक प्रेजेंट होंगे जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए होंगे एंड ऑल्सो अप्युलेट्री पैड और एक कॉपिलेटरी पैड होगा जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे कॉप्यशन के टाइम पे होगा ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लेम फोर लेम की जो पहली डिजिट होती है पहली फिंगर जो होती है उस पे ये प्रेजेंट होगा कॉपिलेटरी पैड विच आर एबसेंट इन फीमेल्स क्योंकि फीमेल्स को जो है स्पम या मेल कामें ट्रांसफर नहीं करने होते हैं लेकिन मेल्स को ऐसा करना होता है तो इसलिए कॉपिलेट्री ऑर्गन जो होता है या कॉपिलेटरी पैड जो है वो मेल्स में प्रेजेंट होगा और वोकल सैक जो है वो भी मेल्स में ही प्रेजेंट होगा फीमेल्स में एबसेंट होगा बात करते हैं एनाटॉमी की सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज गट एंड डायजेस्टिव ग्लान्स एलिमेंट्री कैनाल और डायजेस्टिव ग्लान्ट जो है वो मिलकर बनाएंगे डायजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल जो होगी वो शॉर्ट होगी बिकॉज फ्रॉक्स आर कार्निवरस एज कंपेयर टू हर्बीवोरस एनिमल्स जनरली जो है कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल या जिसे हम गर्ट बोल रहे हैं वो शॉर्ट होती है लेंथ में हैंज द लेंथ ऑफ इंटस्टाइन इज रिड्यूज क्योंकि इंटस्टाइन की लेंथ जो है यहां पर रिड्यूज हो जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर्बी ओरस एनिमल्स जो प्लांट ईटर्स होते हैं तो प्लांट की सेलवॉल जो होती है उसमें सेल्यूलोर

वो यहाँ पर बायोसिक्रिएट करेगा जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा जैसे कि हम में होता है पेनक्रियास प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस जो कि जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और यहाँ पर फूड जो है वो कैप्चर्ड होगा बाय बायलॉब्ड टंग बायलॉब टंग के थ्रू बायलॉब मीन्स जिसमें दो लोब हैं दो चैम्बर्स या दो पार्ट्स हैं ऐसी टंग के थ्रू जो है फूड जो है उसको कैप्चर किया जाएगा तो यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं दिस इज ईसोफेगस फूड पाइप है, है ये रेड कलर का पार्ट जो है दैट इज लिवर स्टमक आ गया फिर इंटेस्टाइन आ गई इंटेस्टाइन जो है वो आपके कहा रैक्टम में जाकर खुल रही है और रैक्टम जो है वो फाइनली जो है कहाँ जाकर क्लोकल अपैरचर में जो है क्लोका जिसे हम बोल रहे हैं वहां जाकर ओपन हो रहा है दिस इज यूरेटर यूरेटर जो है वो भी यहाँ पर देखिए क्लोका में ही ओपन हो रहा है सो so, आप बोल सकते हैं कि यूरिन के लिए यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए और यहाँ पर या वेस्ट के एक्सक्रीशन के लिए या एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग जो है वो सेम है तो इसीलिए ये एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं क्लोका दिस इज गॉल ब्लैडर जहां पर स्टोरेज होता है लिवर के बाइल जूस का दिस इज लंग्स और यहाँ पर जो है फैट बॉडीज आप देख सकते हैं किडनी जो कि एक्सक्रीशन का काम परफॉर्म कर रही हैं और ये यूरेटर्स हैं जो ट्यूब्स हैं जो किडनी से अटैच हैं जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को लेकर आ रही हैं एंड दिस इज ब्लैडर जहाँ पर यूरिन स्टोर होगा सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर और एनेटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन फ्रॉक्स नेक्स्ट इज डाइजेशन बाय एस सी एल एंड गैस्ट्रिक जूसेज एस सी एल और गैस्ट्रिक जूसेज जो हम में भी प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रीटेड होते हैं फ्रॉम गैस्ट्रिक वॉल जो स्टमक में प्रेजेंट होती है और ये गैस्ट्रिक वॉल जो है इन दोनों को सिक्रीट करेगी पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक में आधा अधूरा डाइजेशन हुआ है उसके बाद में हम फूड को क्या बोलते हैं कायम बोलते हैं वो वहाँ से स्टमक से पास होकर कहाँ जाएगा ड्यूडेनम इंटेस्टाइन के पार्ट में ड्यूडेनम रिसीव करता है किसको बाइल को जो लिवर से आ रहा है और पैंक्रियाटिक जूस को थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट बाइल इमल्सिफाइज फैट बाइल का काम क्या होता है बाइल जूस का एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट फैट का ब्रेकडाउन पैंक्रियाटिक जूस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए आपके प्रोटीन्स हो गए जो आपके पार्शियली डाइजेस्टेड फूड या काम में प्रेजेंट है उनको डायजस्ट digest करेंगे डायजेशन कंप्लीट्स इन द इंटेस्टाइन और इंटस्टाइन में जो है डायजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा

को बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा नेक्स्ट इज सिस्टम स्किन एक्वाटिक स्किन इज एक्वाटिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन अगर हम एक्वाटिक uh, जो है एनिमल्स uh, की बात करें तो एक्वाटिक एनिमल्स में रेस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह जो है स्किन भी वर्क करती है यहां पर स्किन जो होती है वो एज एन स्पायरेटरी ऑर्गन वर्क करेगी जिसे हम क्यूटेनियस अगर स्किन के थ्रू जो है रेस्पायरेशन हो रहा है, जो है वो हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे डिफ्यूजन तो हर जगह अगर हम एलव्यूलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो वहां पर भी डिफ्यूजन ही एप्लीकेबल है यहां हम बात कर रहे हैं स्किन के थ्रू तो यहां पर भी जो है डिफ्यूजन ही एप्लीकेबल है ऑन लैंड द बल कैविटीज

और अगर इसका सीक्वेंस बताएं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो एयर एयर एंटर हुई नॉस्ट्रल से नॉस्ट्रल से बकल कैविटी में बकल कैविटी से लंग्स में फाइनली ड्यूरिंग एस्टिवेशन जब समर स्लीप में होते हैं समर के टाइम पे समर सीजन में जब ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं या विंटर स्लीप में जब होते हैं तो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो जनरली स्किन के थ्रू होता है क्योंकि नॉस्ट्रल वगैरह के थ्रू होगा तो वहां एनर्जी यूटिलाइज होगी जो उस टाइम पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है उस टाइम तो वो इनएक्टिव स्टेट में है अपनी एनर्जी को सेव करके रख रहे हैं जस्ट टू सरवाइव नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर दो टाइप के फ्लूड जो है प्रेजेंट होते हैं ब्लड एंड सेकेंड इज लिम्फ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपके तीन पार्ट्स आ जाएंगे हर्ट ब्लड वेसल्स और आपके अब ब्लड ब्लड जो ट्रांसपोर्टिंग फ्लोइड है हर्ट जो इसे पंप कर रहा है और ब्लड वेसल्स जिसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर फ्लोइड क्या होगा ब्लड की जगह इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड दैट इज लिम्फ लिम्फ चैनल्स होंगे जिनके थ्रू या जिनमें ये लिम्फ फ्लो हो रहा है और लिम्फ नोट जो टाइम टू टाइम जो है डब्ल्यू का प्रोडक्शन करके जो है या लिम्फ के कॉम्पोनेट्स को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं और लिम्फ में एड कर रहे हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर क्लोज टाइप का होगा क्योंकि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है हर्ट थ्री चैम्बर होता है याद रखिए एम्फीबियंस में जो है हर्ट जो है वो थ्री चैम्बर्ड होता है दैट मींस टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल इस तरीके से ये ऑरिकल्स हैं और नीचे वाला वेंट्रिकल तो एक वेंट्रिकल होगा दो ऑरिकल्स होंगे कवर्ड बाय पेरिकार्डियम और हर्ट के ऊपर जो कवरिंग होगी दैट इज नोन पेरिकार्डियम अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनसिस एक ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज साइनस वेनसिस जो है वो राइट right एट्रियम जो है उसको ज्वाइन करेगा और यहाँ पर जो है साइनस वेनेसिस जो है वो राइट एट्रियम राइट दिस वैसे तो ये है मेरा राइट right पर लेकिन जब हम डाइग्राम बनाते हैं सो दिस इज राइट आप अपनी बॉडी का जस्ट उल्टा रखेंगे दिस वन इज राइट साइड एंड दिस वन इज लेफ्ट साइड तो राइट right साइड में एक साइनस वेनेसिस जो है वो ज्वाइन करेगी और ये साइनस वेनेसिस जो है ये क्या कैसा ब्लड लेकर आ रही है

ब्लड आर्टरीज में जाएगा आर्टरियल सिस्टम में जाएगा बॉडी पार्ट्स में जाएगा बॉडी पार्ट से जो भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेन्स कलेक्ट करेगी और बैक टू कहाँ लाएंगी हर्ट में ही लाएंगी चलिए हिपैटिक पॉटल सिस्टम जो कि आपका एक सिस्टम होता है बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिवर तो लिवर से डायरेक्टली जो है वेन्स जो है वो कहां कनेक्ट होती है इंटेस्टाइन और इस कनेक्शन को इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं सिस्टम तो यहाँ पर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दैट इज वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर जब वेन्स जो है कनेक्टेड होती है लिवर और इंटेस्टाइन की दैट फॉर्म हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम जो किडनी और जो लोअर बॉडी पार्ट होते हैं उनके बीच में जो वेनस कनेक्शन होता है दैट इज नोन एज रीनल पोर्टल सिस्टम तो ये दोनों ही टाइप के पोर्टल सिस्टम जो है आपके फ्रॉग में भी प्रेजेंट होंगे ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा ब्लड का कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो प्लाज्मा जो बेस लिक्विड है उसमें तीन टाइप की सेल्स जो हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होती हैं दैट इज आरबीसी डब्ल्यू एंड प्लेटलेट्स

लिम्फ ब्लड कलरेशन इज अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट और ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो एक्चुअल में किस वजह से आएगा जो पंपिंग एक्शन जो हार्ट के थ्रू किया जा रहा है ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स ब्लड जितनी भी चीजें उनका ट्रांसपोर्टेशन करेगा दैट इज न्यूट्रीन गैसेज एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ज्यूरिंग द सर्कुलेशन प्रोसेस नेक्स्ट इज एक्सक्रीट सिस्टम यूरेटर्स की बात करें सबसे पहले एक्सक्रियटिव सिस्टम में दो किडनीज होंगी यहां पर यूरेटर्स होंगे दो यूरेटर्स एक किडनी का एक यूरेटर हम बोल सकते हैं फिर क्लॉक का जो कॉमन ओपनिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की भी और आपके एक्सक्रूटिव सिस्टम की भी और यूरिनरी ब्लैडर दैट इज फॉर यूरिनरी ब्लैडर इज फॉर स्टोरेज ऑफ यूरिन किडनी डार्क रेड कलर की होगी बीन शेप होगी बीन शेप दैट इज राजमा शेप कुछ इस तरीके से जैसी हमारी होती हैं फाउंड पोस्टीरियरली पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ साइडिबल कॉलम कॉलम के दोनों तरफ एक एक किडनी किडनी प्रेजेंट होगी ईच इज ऑफ से बनी होगी जिन्हें हम यूरिनी फेरेस्टिब्यूल्स भी बोलते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किसकी किडनी की यूरेटर्स जो एक किडनी से एक यूरेटर निकलेगी एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर -like है मेल्स की अगर बात करें तो दे एक्टर्स यूरिनो जेनेटल डक्ट ये जो यूरेटर हैं मेल्स में और जेनाइटल डक्ट की तरह काम करेंगे जो क्लोका में जाकर ओपन होंगी कॉमन ओपनिंग है फीमेल्स में यूरेटर और ओविडक्ट जो होंगे वो सेपरेटली ओपन होंगे मतलब ओविडक्ट जो है वो तो एग लेकर आएगी और यूरेटर जो है वो यूरिन लेकर आएगा तो यहाँ पर मेल्स में जो है यूरिनो जेनाइटल डक्ट जो है वो कॉमनली वर्क करेगी मतलब कि जेना डक्ट अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब स्पम्प भी वही कैरी करके ला रही है और यूरिनो हम डक्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब यूरिन को भी वही कैरी करके ला रही है लेकिन फीमेल्स में दोनों के लिए सेपरेट होगा लेकिन दोनों ओपन कहा होंगे में ही ओपन होंगे यूरिनरी ब्लैडर थिन होता है काफी प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम रेक्टम के नीचे की तरफ जो है हम बोल सकते हैं प्रेजेंट होगा विच ऑल्सो ओपन इन द क्लोका फ्रॉग इज अ यूरियोटेलिक मतलब कि वेस्ट क्या होगा यूरिया होगा जस्ट लाइक अस नाइट्रोजनस वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट जितना भी है यूरिया जो है वो ब्लड के थ्रू कैरी किया जाएगा किडनी तक वेयर इट इज सेपरेटेड एंड गॉट एक्सक्रीटेड फाइनली नेक्स्ट इज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं सी एन एस पी एन एस एंड ए एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स आ जाएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सारी बॉडी की नर्व्स इंक्लूड करेगा और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो वो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंसिस्टेड होगा नर्व सिस्टम की बात करते हैं ब्रेन ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन फोर ब्रेन में आपके ऑलफेक्ट्री लॉब्स आ जाएंगे पेयर सेरिब्रल हैस्फेर आ जाएंगे जिस लाइक आप डायनसेफिलॉन आ जाएगा मिड ब्रेन है आप पेयर ऑफ ऑप्टिक लॉब्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और हिंड ब्रेन की बात करें तो सेरिवेलम और मेड्यूला जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा हिंड ब्रेन के पार्ट में चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्रैनियल नर्व्स की तो क्रैनियल नर्व जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं

एंड कंटिन्यूस इन टू स्पाइन कॉर्ड और आपका जो ये मेड्यूला uh, जो हिंड ब्रेन का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो आगे चलकर फॉरम एंड मैग्नम से निकलेगा पास करेगा वहां से और आगे चलकर कंटिन्यूशन में किससे अटैच हो जाएगा स्पाइन कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिबल कॉलम में इनक्लोज रहेगी नाउ नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स जो हैं उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे टच के लिए आ जाएंगे डाटा सेंसरी आप टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होंगे उसके बाद में स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आइज होंगी और ईयरिंग के लिए टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर्स नो एक्सटर्नल ईयर्स आइज आर अ पेयर ऑफ स्वेरिकल स्ट्रक्चर्स आइज में क्या होगा आइज का अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर तो तोल इस स्ट्रक्चर गोल गोल स्ट्रक्चर होंगे जो ऑर्बिट में सिचुएटेड है और ये सिंपल आइज होंगी कोई कंपाउंड आइज नहीं होंगी जिसमें सिर्फ एक यूनिट जो है प्रेजेंट होंगी ईयर जो है वो एक ऑर्गन है ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग दैट इज इक्म सुनकर ही तो बैलेंस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम सबसे पहले तो मेल का देखेंगे अ पेयर ऑफ येलोइश

दैट इज नोन एज मेजोकियम टेस्टीज जो होंगी वो आगे चलकर किससे कनेक्टेड होंगी वासा एफरेन्शिया जो कि नंबर में कितनी होंगी टेन टू ट्वेल्व फिर ये वासा एफरेंशिया जाकर कहाँ ओपन होंगी एंटर द किडनी किडनी में एंटर होंगी ओपन इंटू बिडर्स कैनाल बिडर्स कैनाल फ्रॉक का एक कैरेक्टरिस्टिक है फ्रॉक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बिडर्स कैनाल में जाकर जो है ये ओपन होंगी यूरिनो जेनाइटल डक्ट में फिर ये जाकर आगे अटैच होंगी जहाँ पर ये फिर क्लोका में जाकर फाइनली ओपन होंगी जो एक कॉमन ओपनिंग है क्लोका इज अ स्मॉल मीडियन चैम्बर क्लोका को हम देख सकते हैं एक स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है दिस इज क्लोका सो दैट इज़ यूज टू पास फीकल मैटर जिससे फीकल मैटर भी पास होगा मतलब डाइजेस्टिव अनडाइाइजस्टिड फूड भी पास किया जाएगा यूरिन भी पास किया जाएगा और स्पर्म्स जो हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के गैमेट्स हैं उनको भी पास किया जाएगा टू द एक्सटीरियर और आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो एक तरीके से ये कॉमन ओपनिंग है तीन सिस्टम की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेल्स में अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सक्रीटिव सिस्टम की और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक पेयर होगा ओवरीज का नियर किडनीज किडनीज के पास में यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ब्लैक ब्लैक कलर का जो भी पूरा पार्ट है दैट इज ओवरी देर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनीज कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होगा ओवरीज और किडनीज के बीच में एक पेयर होगा ओविडक्ट का हर ओवरी से निकलेगा फ्रॉम द ओवरीज ओपन इन टू क्लोका जो सेपरेटली क्लोका में जाकर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके ये ओविडक्ट हैं और ये ओवीडक्ट दो ओवीडक्ट हैं जो कि दोनों ओवरी से आ रही हैं और दोनों ओवरी से आकर वो कहाँ ओपन हो रही हैं? क्लोका में ओपन हो रही हैं। सो अ मेच्योर फीमेल एक मेच्योर फीमेल जो होती है वो लगभग कितने एग ले करती है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू थ्री थ्री थाउजेंड एट अ टाइम एक बार में इतने एग ले करती हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है बाहर वाटर में होता है और रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है दैट्स दैट्स दे आर नोन एज एम्फीबियंस लाइफ करते हैं एंड टेक्स प्लेस इन वाटर डेवलपमेंट में जो है इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है जहां पर एक लार्वा स्टेज आती है एंड दैट लार्वा स्टेज इज नोन एज टैटपोल टेटपोल अंडरगोज मेटामोफोसिस स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं फ्रॉम द एंड फ्रॉम द फाइनली एडल्ट सो दिस इज टैटपोल तो टैटपोल यहाँ हम देख सकते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम देखें दे ईड इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप ये इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं और इसीलिए इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं तो हमारी क्रॉप जो है जिनको इंसेक्ट्स खा रहे हैं जिनके लिए इंसेक्ट एज अ पेस्ट प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई आपके जो क्रॉप्स एक बार ऐसा ही हुआ था कि हम लोगों ने जो है फ्रॉग जो है उसकी लेग को फूड में टेस्ट जो है ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है बहुत सारे कंट्रीज़ में तो हमने क्या किया फ्रॉग हमारे यहाँ पे तो ऐसे भी बिना काम के होते हैं और बहुत होते हैं रेनी सीजन में तो हमने उनका एक्सपोर्ट जो है करना स्टार्ट कर दिया उनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उनकी फार्मिंग स्टार्ट कर दी लेकिन क्या हुआ कुछ टाइम बाद एक साल हो गया एक्सपोर्ट करते करते तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई क्यों क्योंकि उनको खाने वाले जो हैं जो उन पर फीड कर रहे थे फ्रॉग वो हमने कम कर दिए हैं उनकी पॉपुलेशन हमने कम कर दी है, है बाई एक्सपोर्ट इन तो धीरे धीरे क्या हुआ हमारी क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगी क्योंकि वो इंसेक्ट्स जो हैं जिनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो जाकर क्रॉप पर फीड करते और क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती तो फाइनली जो है हमें इस पर बैन लगाना पड़ा तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना अपनी एक इम्पॉर्टेंस लेके रखता है फूड चेन में भी अगर हम देखें तो तो यहाँ पर फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं और इस वजह से हमारे इंसेक्ट्स जो हैं वो जो क्रॉप को खाने वाले हैं उन पे फीड करके ये हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय सर्विंग एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम इन सम कंट्रीज द मस्क्यूलर लेग्स मैंने बताया जो मस्क्यूलर लेग्स होते हैं फ्रॉक के उनको यूज किया जाता है एज फूड बाय मैन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं सो दिस वॉज आर टुडे सेशन जहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट एनिमल्स की जो है मोफोलॉजी और एनाडमी डिस्कस करी दैट इज कॉकरोच एंड फ्रॉक चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू